नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शरद पवार के एक पत्र के बारे में जिस पर इस समय सियासी बवाल मचा हुआ है। किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 8 दिसंबर को उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। उनके इस कदम का एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी समर्थन किया है, लेकिन इसके बाद वह अब खुद विवादों में घिर गए हैं। समाचार एजेंसी ANI ने सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले बताया कि UPA सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने खुद APMC कानून में संशोधन की मांग की थी। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लिखा गया उनका एक पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं NCP ने इस चिट्ठी को लेकर सफाई दी है। पार्टी की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि मॉडल APMC कानून पूर्व की वाजपेयी सरकार द्वारा लाया गया था, लेकिन कई राज्य उस वक्त इसे लेकर अनिच्छुक थे। ऐसे में बतौर कृषि मंत्री पवार ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड से सुझाव मंगाकर उनके बीच इस कानून पर एक आम सहमति बनाने की कोशिश की थी। पार्टी ने इसके साथ ही कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों को APMC एक्ट से किसानों को होने वाले फायदे बताए गए थे, जिसके बाद कई राज्यों ने आगे बढ़कर इसे लागू किया था। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा TV के पूर्व CEO गुरदीप सिंह ने अपने ट्विटर पेज पर शरद पवार का पत्र शेयर करते हुए तब और अब के उनके रुख को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि आज पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार का 2010 में मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र सोशल मीडिया में जारी हुआ है, जिसमें वे APMC में सुधार की वकालत कर रहे हैं। इशारा ये है कि वे अब राजनीति के चलते पाला बदल रहे हैं। पर बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिर इस पूरे मसले में सच कितना है और झूठ कितना है। क्या वाकई में अब NCP प्रमुख शरद पवार का नजरिया बदल गया है? शरद पवार ने रविवार को केंद्र से कहा है कि वह किसानों के प्रदर्शन को गंभीरता से ले, क्योंकि यदि गतिरोध जारी रहता है तो आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश भर से लोग कृषकों के साथ खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार को अकल आएगी और वह मुद्दे के समाधान के लिए इसका संज्ञान लेंगे। तो शरद पवार के पत्र पर सियासी घमासान के बीच राजनेताओं की टिप्पणी भी आप सुन लीजिए। पार्टी कृषि मंत्री रहते हुए पवार साहब ने जो पत्र राज्य के मुख्यमंत्रियों को लिखा था, उसको लेके सोशल मीडिया पे गलत फहमियाँ पैदा कर रही है। पवार साहब ने APMC में निजी लोगों के सहयोग को लेकर पत्र लिखा था। पवार साहब के कृषि मंत्री रहते हुए अगर कोई मॉडल APMC एक्ट बना था तो कंकरेंट लिस्ट में राज्यों को अधिकार दिए गए थे कि उसे वो लागू करे या ना करे। महाराष्ट्र ने APMC के बाहर भी डायरेक्ट किसानों को अपनी उपज बेचने की परमिशन दी थी। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से गलतफहमी पैदा करने के बजाय कानून को समझना पड़ेगा, पत्र को समझना पड़ेगा। UPA के कार्यकाल में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया जिसे UPA ने बुलडोज करने का काम किया हो, या कंकरेंट लिस्ट में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होते हुए अपनी मर्जी लादने वाला कोई कानून देश में नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून बनाया है, कंकरेंस लिस्ट के बावजूद राज्यों को अधिकार नहीं दिए, जू का तू देश भर में लागू किया जाए इस तरह का कानून है। उस समय भी हमारी पार्टी इसका विरोध कर रही थी, ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, जल्दबाजी में पारित ना हो। नहीं देखो, इनका ये जो भाष्य है, जो बात वो कह रहे, मुझे लगता है कि इन्हें राजनीतिक विस्मरण की बीमारी हुई है। दिस इज ए पॉलिटिकल अल्जाइमर। माननीय पवार साहब जी ने खुद इस विषय को लेकर अपने किताबों में, अपने पत्रों के माध्यम से किसानों को खुली छूट देनी चाहिए, बंधन से मुक्त करना चाहिए। अगर उनके किसानों की
किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसान आंदोलन पर हैं और 8 दिसंबर को उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। उनके इस कदम का एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी समर्थन किया है, लेकिन इसके बाद अब वे खुद विवादों में आ गए हैं। देश के पूर्व कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार की एक चिट्ठी को लेकर सत्ताधारी बीजेपी इस समय आक्रामक है। तत्कालीन मनमोहन सिंह नीत कांग्रेस की सरकार में कृषि मंत्री रहते शरद पवार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया था। पवार की इसी चिट्ठी को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान आंदोलन को हवा देने की विपक्षी साजिश का आरोप लगाया है। और आज सोशल मीडिया पर तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की मूल चिट्ठी लगातार वायरल हो रही है, जिसे उन्होंने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को प्रेषित किया था। शरद पवार ने इस बात की जरूरत बताई थी कि कृषि क्षेत्र को बेहतर बाजार की दरकार है, ताकि ग्रामीण इलाकों में रोजगार और उनकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके। चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी अहम है। चिट्ठी में लागू एपीएमसी एक्ट में बदलाव की भी वकालत की गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार की इसी चिट्ठी की मौजूदा कानून से तुलना कर रहे हैं। दलील दी जा रही है कि किसानों का ऐतराज खासकर निजी भागीदारी और एपीएमसी एक्ट के खात्मे को लेकर है, जिसे पहले की कांग्रेस नीत सरकार ने ही प्रस्तावित किया था। अब ऐसे में भाजपा नेता और सरकार के मंत्री विपक्षी पार्टियों की मंशा को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं पवार की इस चिट्ठी पर एनसीपी के नेताओं के द्वारा लगातार प्रतिक्रिया भी आ रही है और सफाई पेश की जा रही है। सोमवार को जिस तरह से ये चिट्ठी वायरल हुई है, उसके बाद से सियासी हलचल मची हुई है। और चलिए इस मुद्दे पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र प्रमुख जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। देवेंद्र प्रमुख जी, आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, शरद पवार की एक चिट्ठी पर इस समय लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है और अब एनसीपी उस पर सफाई देती हुई भी नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पल्लवी जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये घमासान कोई झूठ से नहीं मच रहा, ये सत्य है, सत्यता है बिल्कुल। विपक्ष जिस तरीके से ये घृणित घटना घटा है कि 8 तारीख को भारत बंद का जो जबरदस्त का मैं कहूंगा जबरदस्ती जो बात होती है देहात की भाषा में, उसको लेकर इस तरीके का काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचे। विपक्ष ने कई बार प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी को वो किस तरीके से घेर सकते हैं, किस तरीके से उसको पछाड़ने में कामयाब हो, तब वो किसी भी तरीके से एंगल से नहीं हुए। तो उन्होंने सिर्फ पंजाब से ये आग शुरू की है और पंजाब में अपने आप में कांग्रेस की सरकार है और पंजाब ने ये जो बिल भारत सरकार ने पारित किया अभी अपने यहां लागू भी नहीं किया है और उसके बाद भी इतना बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया, जबकि पंजाब में ही इसमें लगभग 48 से 50 हजार बिचौलिया जो है मंडियों का काम करते हैं, जिनको 8.5% से लेकर 12% का मुनाफा होता है। ये कुछ एक लोग जो बिजनेसमैन हैं, ये किसान बनकर इसमें कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति फैले और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया जाए। लगभग इसमें 12 से 13 पार्टियां जुड़ चुकी हैं, वो बिगर किसी किसान को के बुलाए और फ्रंट पर आकर स्वयं गिरफ्तारी और रोड बंद करना तोड़फोड़ वही काम उन्होंने अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की। देवेंद्र जी, देखिए एनसीपी की तरफ से लगातार ये सफाई दी जा रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तोड़ मरोड़ कर इसे पेश किया जा रहा है, वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये बात कही है कि बतौर कृषि मंत्री पवार ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड से सुझाव मांगे थे और उनके बीच इस कानून को लेकर एक आम सहमति बनाने की कोशिश की गई थी। साथ ही वो कह रहे हैं कि एपीएमसी एक्ट के विभिन्न फायदों को बताने की कोशिश की जा रही थी और इसी के लिए ये लेटर जारी किया गया था। देखिए, अब वो कुछ भी सफाई दें, लेटर में जो कुछ लिखा वो स्पष्ट हो चुका है। हम जो इस समय वर्तमान ताजा घटना है पल्लवी जी, उस पर सफाई दे रही है, पूरी सरकार तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उस पर बोल चुके हैं और संज्ञान ले चुके हैं। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी बार बार किसानों के बीच में जाकर बात कर रहे हैं और हमने अध्यादेश लाने के बाद स्वयं क्षेत्रों में जा जाकर जहां हमारे विधायक से लेकर एमपी तक किसानों के बीच में गए हैं, बड़ी संख्या में देश में चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने स्वयं किसानों की बैठकें कर ये किसानों को समझाने की कोशिश की है कि बिल से क्या क्या लाभ है, क्या क्या फायदे हैं। बड़े आराम से किसानों ने इसको स्वीकार किया था और दिल्ली जो देश का दिल है और राजधानी भी है, वहां के किसानों ने स्वयं बड़ी पंचायत करके इसका समर्थन किया था।
लेकिन कुछ दिन में ही ये एक आग उगलने का काम शुरू हुआ। पंजाब से आपने देखा था, पहले कहीं से ट्रैक्टर खरीदा, फिर उस ट्रैक्टर में आग लगाकर उन्होंने ड्रामा करने की कोशिश की, तब वो फेल हुए। दोबारा से फिर इसमें कुछ फाइनेंशियल लोग जो मंडियों के बिचौलिया के बीच में जो किसान बने हुए हैं, लेकिन वो किसानों के बारे में नहीं सोच रहे, वो सिर्फ सिंगल। देखिए देवेंद्र जी, अगर उस मुद्दे पर आप जा रहे हैं, देवेंद्र जी देखिए उस मुद्दे पर अगर आप जा रहे हैं तो ये बात तो आपको भी पता है सर कि सिर्फ 4% किसान ही ऐसे हैं जो कि एपीएमसी का फायदा ले पाते हैं। इसके अलावा जितने भी किसान हैं वो इस तरह की बाजार और बिचौलियों पर ही निर्भर रहते हैं। अगर अब बिचौलिए इसमें बैठे हुए भी हैं तो फिर तकलीफ कहाँ हो रही है, वो भी तो वो देख रहे हैं ना सर कि कई मंडियां ना खत्म हो जाएं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पंजाब में सबसे ज्यादा मंडियां हैं, तो ऐसे में पंजाब के किसानों का आना तो जायज है। अब ये बात कह देना कि उसमें तो व्यापारी बैठे हुए हैं, उसमें तो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, ये जायज नहीं है, क्योंकि पंजाब के किसानों को परेशानी है और इसलिए वो वहां जाकर बैठे हुए हैं। देखिए किसान तो किसान है पल्लवी जी, पंजाब से हम मानते हैं, पंजाब हो हरियाणा हो मानते हैं, लेकिन देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ऐसे ऐसे प्रदेश हैं, उसके साथ साथ आप जो है महाराष्ट्र से लेकर सारे देश का जो भी है किसान, बड़े से बड़ा एक से एक एरिया इस तरीके का, कहीं धान है, कहीं ईख की फसल है, ईख जो गन्ना से उत्पादन होने वाली फसलें हैं अलग अलग है, कहीं रबी गेहूं की फसलें हैं, हर तरह का किसान अलग अलग किसान है, और हर तरह से उनको जो सरकार ने मंडियों की जो मैं बात कर रहा हूँ जिस पे मैंने चर्चा की है, और उसमें जो मैंने निकाल कर मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि छोटा प्रदेश ज्यादा बड़ा नहीं है, 48,000 जो है सबसे बड़ी संख्या में जो मंडियों में बिचौलिया का काम करते हैं उन लोगों के लिए मैंने स्पष्ट आपको इंगित करने का काम किया है। और इसके साथ चलो किसान भी छोड़ दीजिए आप, आज आज देख रहे हैं आप, कल भारत बंद की बात हुई है तो आज देश की जितनी भी विपक्षी पार्टियां सब रोडों पर दिख रही हैं आपको, तो किसान भोला है, किसान देश का भगवान है हमारी नजर में, हम मानते भी हैं, लेकिन किसान के कंधे पर जो बंदूक चलाई जा रही है वो कहीं ना कहीं किसान के सम्मान को खराब करने की कोशिश करी जा रही है, और एक गंदी राजनीति की उपज यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, अब आपने एनसीपी को लेकर तमाम बातें कह दी, उसके अलावा आज रविशंकर प्रसाद प्रेस वार्ता कर रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी तमाम बातें कह दी, लेकिन इनका हो क्या रहा है सर? देखिए ये बात तो किसान भी कह रहे हैं कि हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है, जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सियासी रोटियां सेकने का काम कर रही हैं, ये तो सियासत है, यहाँ पर तो कोई मुद्दा मिल जाए तो बस तमाम विपक्षी पार्टी को यही करना होता है। मूल बात तो यहाँ पर ये है कि फिर किसानों की समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि अगर आप ये मानकर बैठे हुए हैं कि वो सिर्फ भड़काने में आ रहे हैं तो फिर समाधान कैसे निकाल पाएंगे, आप कैसे उनको समझा पाएंगे? 5 दौर की वार्ता के बाद भी तो अभी तो सिर्फ रह ही रहे हैं नतीजे। पल्लवी जी हमने 5 दौर की बात बराबर की है, और एक नहीं 4 नहीं 7 से 7.5-8 घंटे 5 घंटे लगातार वार्ता हुई है, कैबिनेट के मिनिस्टर अलग अलग गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो है एक बैठक अपनी ली है, और जो हमारे सरकार के मोस्ट हैं माननीय मंत्री वो चार से पांच मंत्रियों ने इकट्ठा होकर इस पर चर्चा की है, और सरकार इस पर प्रतिबद्ध है, सरकार इस पर गंभीर है, हर तरह से पूरा सोच रही है, और बार बार सरकार ये कह रही है कि आप जो कमियां हैं जो खामियां हैं इस बिल में आप किसानों से भी अपील की जा रही है, किसान नेताओं से अपील की जा रही है कि आप लिखित में सरकार को अवगत कराएं कि किस किस बिंदु पर हमें सोचने की जरूरत है, कौन सा बिंदु जो है वो ठीक नहीं लग रहा है, उस पर सरकार निश्चित विचार करने के लिए तैयार है। लेकिन इस तरीके की बात को जो है आप घुमा के कहें कि नहीं विधेयक जो आया पूरी तरह से खत्म होना, ये कोई नैतिकता की बात नहीं लगती, ये कोई मांग डिमांड नहीं लगती। अगर आपको कहीं कमियां लग रही हैं, कहीं खामियां लग रही हैं तो आप उसे इंगित करिए, सरकार का काम है उसको सुधार करना, किसान की बात सुनना, और जो अच्छे किसान है जो समझदार किसान है, छोटे किसान, देखिए मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहता, किसान तो किसान है चाहे वो कम बैठे हैं ज्यादा बैठे हैं, लेकिन ये देश जो है इसकी 135 करोड़ की जो आबादी है उसमें 65 से 70% जो लोग है वो किसान से ही संबंधित है, और आज बहुत बड़ी संख्या में कुछ लोग जो समझदार समझ रहे हैं वो इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं, उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना है। किसी के कहने से इस बिल को वापिस नहीं किया जा सकता, ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि सबकी बात सुननी है, सबके मन की बात सुनने के बाद सरकार विधेयक लेकर नहीं आई अपनी मर्जी से, सरकार ने इस पर बहुत मंथन किया है, और ये जो कांग्रेस आज बस्ती फिर रही है अपने लेटरों को जो इसका तरीका बताया कि हमने ऐसे नहीं ऐसे लिखा है, ये 70 साल तक इन्होंने क्या इस पर MSP पर ये इनकी इनकी सरकारें नहीं थी क्या,
सात साल पहले इन्हें पता नहीं लगा था कि हमें क्या करना है किसानों के लिए, कौन सी चीज हमें करनी है। जब भी हम कोई बदलाव लेकर आते हैं, किसान की स्थिति को सुधारने की कोशिश करते हैं। वाली बात आपकी सही है देवेंद्र जी की, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। अब भले ही लीपा पोती करती रहे विपक्ष, लेकिन जो पत्र वायरल हुआ है वो पत्र कहीं ना कहीं सही है और इसको लेकर अब विपक्ष घिरता हुआ भी नजर आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी से पवन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपये की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें, वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं, गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें, सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें, वाहन को लो बीम पर चलाएं, दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें, पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ ब्रेक के बाद राष्ट्रधर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं शरद पवार के उस पत्र के बारे में जिसको लेकर इस समय सियासी बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस वार्ता की और तमाम आरोप विपक्ष पर लगाए हैं। हमारे साथ मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए, भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र प्रमुख और इसके अलावा पवन शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर। धन्यवाद जी। सर, मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि आखिर विपक्ष चाह क्या रहा है। देखिए, परेशान है किसान, ठीक है, इस समय आप उन्हें समर्थन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से जो पत्र वायरल हो रहे हैं, आपका मैनिफेस्टो खुलकर सामने आ रहा है, दिख रहा है ना कि किस तरह की राजनीतिक रोटियां यहाँ विपक्ष के द्वारा सेकी जा रही है। क्यों किसानों के मुद्दे पर राजनीति, आखिर क्यों? मुझे तो समझ में ये नहीं आता, आज इस सरकार में अगर किसी के पक्ष की बात करो तो वो सारा राजनीतिक हो जाता है। ये खुद सरकार अगर इस बिल को लेके आई थी, ना तो इसके बारे में प्रॉपर चर्चा करी, ना किसानों संगठनों के साथ में चर्चा करी, अगर संसद में भी उन्होंने चर्चा के नाम पे लोगों के सांसदों के साथ में विश्वासघात किया, उनको सदन से बाहर निकाला और एक एक तानाशाही तरीके से ये बिल पास किया गया। इस बाल में इस बिल के अंदर पहले भी कई ऐतराज थे जो इस सरकार द्वारा दूर नहीं किए गए। पिछले 2-2.5 महीने से जो किसान है वो रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, वो सरकार से वार्ता चाहते हैं लेकिन वार्ता करने को तैयार नहीं है केंद्र की सरकार। अब किसान थक हार कर जब उनके उसके पास में कुछ बचा नहीं, तब उसने जो है दिल्ली का रुख किया और दिल्ली के रुख में भी जो
भाजपा शासित राज्य की सरकार है, उन्होंने उनके बीच में अवरोध पैदा किया और एक आक्रोश किसानों के अंदर पैदा कर दिया। वो आक्रोश का परिणाम है कि कल भारत बंद का आह्वान किया गया है। आज भी सरकार जो है सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रही है और उनको कैसे न कैसे इतना सोशल मीडिया हमें पता है पवन जी, ये सारी बातें हमें पता है। मेरा सवाल ये था कि शरद पवार के पत्र पर आप क्या कहेंगे, अब क्यों लीपापोती की जा रही है उनके पत्र को लेकर और आपके मैनिफेस्टो को लेकर, उसको लेकर क्या कहना है आपका? क्या आप नहीं चाहते थे मंडियों में ये सुधार के जो तमाम आपने यहाँ दावे और वादे किए थे? आप मुझे बताइए, आप हमारे मैनिफेस्टो की बात करेंगी कि जो सरकार सत्ता की उसके मैनिफेस्टो की बात करेंगी? जो सत्ता सरकार जितना हम बोल रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लिए और केंद्र की सरकार के लिए, उतना कोई नहीं बोल रहा होगा। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि विपक्ष जो काम खुद करना चाहता था तो क्या आपके समय में वो काम गलत नहीं था? नहीं, कहाँ, अगर हमें सत्ता में आते हम काम करते तो हम जिम्मेदार होते। आज जो सत्ता थी क्यों रखी थी तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वो पॉइंट क्यों रखा था, मैं ये जानना चाहती हूँ। कौन से पॉइंट रखे हैं जो कांग्रेस ने वो पॉइंट जो किसानों के हित में होंगे और किसानों से वार्ता करके बात होती है हमेशा। आपने अपने मैनिफेस्टो में 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था कि एपीएमसी अधिनियम को निरस्त करने और सभी प्रतिबंधों से मुक्त निर्यात सहित कृषि उपज का व्यापार किया जाएगा, ये वादा आपके द्वारा किया गया था। इसे क्या समझा जाए? क्या ये वादा उस वादे से मिलता जुलता नहीं है जो कि अभी कानून के रूप में लागू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? मुझे बताइए, अगर वो जो हमने अपने मैनिफेस्टो में रखे थे, इसका मतलब सरकार जो जनता जी जो किसान थे वो हमारे मैनिफेस्टो को समर्थन नहीं करते थे, इसलिए मैं सत्ता में नहीं आने दिया। अब जो सत्ता में आई ये सरकार मान रहे हैं ना कि आपने भी गलत चीज रखी थी, आपने ये तो माना ना? मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। अगर कोई चीज गलत रखी गई थी, मुझे नहीं पता कि वो कौन सी गलत चीज है, उसमें कहीं पे बिना सहमति के कोई चीज लागू नहीं होती है। जो भी चीज होती है संसद के अंदर, पहले भी कई ऐसे कानून आए हैं जो संसद में चर्चा द्वारा पारित हुए। यहाँ इस सरकार ने तो पिछले कई सालों से जो विधान में जो ये कानून पास किए गए, सिर्फ अध्यादेश ला के पास किए गए हैं। कोई ऐसा कानून बता दीजिए जो चर्चा के बाद में पास हुआ हो। देवेंद्र प्रमुख जी, देखिए पल्लवी जी, मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि शायद पवन जी को पता नहीं है कि विधेयक जो आता है वो संसद के माध्यम से आता है और बहुमत से आता है और खूब चर्चा भी हुई है, परिचर्चा भी हुई है। और अभी शायद पता नहीं है हमारे मित्र को कि हमारे सांसद जो 300 प्लस हैं अपने क्षेत्रों में जा जाके बराबर 2 महीने तक, ये बात हमने 2 मंथ तक किसानों के बीच में चर्चा की थी और उसी का कारण है कि आज पंजाब के सिवा और किसी प्रदेश का किसान निकलकर इस रोड पर नहीं आ रहा है। और ये प्री प्लान यहां से कांग्रेस की हवा दी जा रही है और मैं उन बिचौलियों की बात कर रहा हूं और इसके पीछे कौन है। और जो आप एपीएमसी के जो पत्र की बात कर रहे हैं वो संशय की बात है। और फिर मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, उस समय पवन जी नहीं थे, कि 60 से 70 साल तक आखिर ये जो किसानों की बदलाव जिस पर आपको आज लग रहा कि दयनीय स्थिति है, किसानों को न्याय नहीं मिला, कोई आपके पास ऐसी स्कीम है कि आपने किसानों को कहां से सुधार करने की कोशिश की है या आपकी सरकार के पास कोई ऐसा आपने किया हो 60 वर्ष में? और हम आज भी किसानों की बात सुनने के लिए स्वयं किसानों के बीच में जा रहे हैं। 5 दौर की वार्ता हमारी सरकार किसानों से कर चुकी है और आज भी किसान जो हैं उनसे यही मांग की जा रही है कि जिस चीज की जो कमी आपको इसमें विधेयक में लग रही है, जो पॉइंट आपको लगता है कि इस पर हमें संशय है, तो आप लिखित में हमें दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे। और कोई थोपने की बात नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से कानून आया है, विधेयक पास हुआ है और उसी को लागू किया गया और उस पर आज भी सरकार बाध्य है। किसानों को उनकी बात समझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन कुछ लोग हैं जो समझने देना नहीं चाहते, जो भारत बंद कराकर देश में आग लगाना चाहते हैं। किसानों से ज्यादा वो लोग सड़कों पर आ गए हैं, तोड़ फोड़ शुरू कर दिए, डेट कल की है और वो नंगा नाच आज से ही नाच रहे हैं। कोई साइकिल चला रहा है, कोई हाथी चला रहा है और कोई लट और डंडे भी चला रहा है। प्रदर्शन का अधिकार सबको है सर, आप किसी को रोक नहीं सकते। चलिए, आपने धारा 144 लगा दी, आपने ये कह दिया कि कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना हो रही है, लेकिन प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, वो आप नहीं बदल पाएंगे। प्रदर्शन कीजिए लेकिन और आम लोगों की सुरक्षा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और ये जो गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, वैश्विक महामारी है, वैश्विक संकट काल है, पूरी दुनिया, दिल्ली जो है इसमें दुनिया में गिनती के नंबरों में दिल्ली को ही आप घेर कर जो है, क्या आखिर चाहते हैं, क्या आप जताना चाहते हैं?
क्या दिल्ली से कोई आपको दुश्मनी है कि जहां 4 से 5 हजार केस ऑटोमेटिक डेली आ रहे हैं 2 करोड़ की आबादी के प्रदेश में और आके लाखों की संख्या में आप ड्रामा भरने का काम कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जो है आप भी लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, आप किसानों का नाम लेकर उनके कंधे पर बंदूक चलाकर अपना निशाना साध रहे हैं। ठीक है पवन जी, आखिरी कमेंट चाहूंगे इस मसले पर आपका। देखिए प्रमुख साहब ये कह रहे हैं कि वैश्विक महामारी में इकट्ठे हो रहे हैं, जब हैदराबाद में अभी इलेक्शन थे उसमें साहा जी और इधर योगी जी इतनी भीड़ इकट्ठी करके बैठे थे, वो महामारी नहीं थी वहां पे क्या? मतलब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू, किसान अगर कोई प्रदर्शन करे तो उनके लिए महामारी, और ये नेता जाके वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, वो महामारी नहीं है? आगे क्या ये प्रदर्शन इसी तरीके से तो चलते रहेंगे? देखिए आपको भी अपना अभी समझ आ रहा होगा कि ठीक है अभी अपना अस्तित्व बचा लेते हैं, किसानों का मुद्दा तो है ही, सेंसिटिव मुद्दा तो है ही, अपना जैसे तैसे अस्तित्व बचा लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो तो पूरा दुनिया देख रही है। जापान के प्रधानमंत्री को अब चिंता हो गई है कि देखो वहां पर क्या हो रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या हो गया है। सर क्या हो गया है प्रमुख जी, कब तक ये ऐसे चलता रहेगा? 12वां दिन है आज प्रदर्शन का, ठंड में बैठे हुए हैं वहां पर किसान। पल्लवी जी हम पूरी तरह से किसानों के प्रति वचनबद्ध है, और वचनबद्ध के साथ साथ हर प्रतिक्रिया हर हमारा नेता जिम्मेदारी के साथ किसानों के बीच में जा रहा है, प्रयास कर रहा है कि इस मामले को इस मसले को हल किया जाए, इसे गंदी राजनीति बचाने का काम किया जा रहा है, और सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और अगले दौर की जो मीटिंग होगी, जो सभा में किसानों से चर्चा होगी, उन बिंदुओं पर फिर दोबारा से चर्चा की जाएगी और किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, आपसे जानकारी चाहूंगी पवन जी शरद पवार के पत्र को लेकर, क्योंकि आपने पहले भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो मैं एक प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। हमारे पास समय की कमी है इसलिए मैं चाहूंगी कि आप डायरेक्टली ही उसको लेकर जवाब दे दें। शरद पवार का जो पत्र वायरल हो रहा है उस पर अब क्या सफाई है? देखिए पहली बात है कि मुझे नहीं पता क्या पत्र वायरल हो रहा है, क्योंकि मैं शादी में बिजी था, उसी में आपका ये फोन हुआ मेरे पास आया है। मुझे नहीं पता उस पत्र के बारे में क्या है क्या नहीं, तो मैं उसके बारे में बिना जाने कैसे प्रतिक्रिया दे दूं? पूरे देश की मीडिया में इस समय वो पत्र छाया हुआ है और आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े दोनों मेहमानों का, तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लगातार इस समय शरद पवार के पत्र पर सियासी घमासान मचा हुआ है, और ये बात साफ हो गई है कि वाकई में किसानों के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति चमकाने की कोशिश तमाम पार्टियों के द्वारा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो इन कानूनों को किसानों के ऊपर थोपने का काम कर रही है, तो वहीं तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों के इस मुद्दे पर अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं और लगातार अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार। दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख